सिक्किम के टी समोंगवो में एक एवलांस ने 6 लोगों की जान ले ली है। इस बर्फीले तूफान की वजह से टूरिस्ट बस खाई में जा गिरी और मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। यह घटना दोपहर करीब 12:20 पर गैंगटोक के नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई। अभी इस समय 150 लोग बर्फ के नीचे फंसे हुए हैं। 22 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को टी सिमिंगमो में एक तेज बर्फीला तूफान आया था। उस तूफान की वजह से एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित हो गई और सीधे खाई में जा गिरी। उस हादसे में 4 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। चिंता की बात है कि 150 लोग अभी भी बर्फ के नीचे ही फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने तो सिक्किम पुलिस के साथ मिलकर जमीन पर रेस्क्यू शुरू कर दिया है। कई लोग अभी भी घायल हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इससे पहले जनवरी में लद्दाख क्षेत्र के तंगोल गांव में भी हिमस्खलन हुआ था। उस तूफान ने 2 लड़कियों की जान ले ली थी। इस तरह पिछले साल उत्तरकाशी में एवलांस ने भारी तबाही मचाई थी और 16 लोगों की मौत हो गई थी।